हम लोग का एक वी से इट एज हाइपोरेमेसिस ग्रेविडारम दैट इज ऑल्सो एक्सेसिव वॉमिटिंग जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में. सो कभी कभी हम उसको मिस्टेक कर जाते हैं कि ये हाइपोरेमेसिस ग्रेविडारम का केस होगा. बट उसके साथ अभी आप जब बीपी मॉनिटर करेंगे सब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीपी कितना हाई है पेशेंट का. सो दैट्स हाउ वी कम टू नो कि दिस इज प्रीएक्लाम्प्सिया. वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ मुझे सिद्धि ने. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिद्धि काफी एक्चुअली आ चुकी है इसलिए. ओके, हाउ शुड वन प्रिवेंट हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ओके, सो हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए जो घर पे हम कर सकते हैं वो मैं पहले बोलूंगी एंड देन आई विल कम टू द गवर्नमेंट स्कीम्स. सो घर पे अगर आप कर रहे हैं तो यू हैव टू रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक. सो रिड्यूस योर सॉल्ट इनटेक, खाने में नमक थोड़ा कम डालिए. इसमें क्या, हाँ, योर सोडियम बीज इन कंट्रोल एक्चुअली. सो सोडियम लेवल्स कंट्रोल में रहेगा तो आपका सूजन होना ऑब्वियसली कम हो जाएगा. देन इज यू हैव टू टेक योर कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा डॉक्टर. सो कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ये सब कंटिन्यू आपको लेना है. देन यू हैव टू कम टू द डाइट. सो डाइट में क्या प्रॉब्लम होता है एक्चुअली इज इन प्रीएक्लाम्प्सिया वी सी यूरिन में है वी गेट प्रोटीन्स थ्रू द यूरिन. सो आपको प्रोटीन यूरिया होना शुरू होता है. सो वंस यू लूज योर प्रोटीन थ्रू द यूरिन तो आपके बॉडी में प्रोटीन कम हो जाता है. सो दैट्स व्हाई प्रोटीन इनटेक यू हैव टू हाई इन प्रोटीन्स. सो